हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं परलंकारी योद्धा का दूसरा और अंतिम भाग। फिर उसने पलटने में चीते को भी मात कर दिया और अब तू अपनी उंगलियां कटवाएगा। हाथ बेजान होकर गिरने पर मजबूर हो गया। इधर तंत्राल अंगूठा शिला पर रख रहे थे, फिर अब नहीं होगा द्वार बंद। तपराज ने बताया उसे अपने अभियान के विषय में। क्या वे योद्धा अब भी एक दूसरे के शत्रु हैं? हाँ, और मैं जानना चाहता हूं कि वे शत्रु क्यों हैं और कौन सी शक्ति है जिसने उन्हें इतने वर्षों तक की लंबी नींद दी। चौंक उठा था तंत्राल। तंत्राल काफी देर तक शून्य में निहारने के बाद बोले, सबसे पहले तो ये जान लो कि योद्धा मेरा ही पुत्र है। क्या, योद्धा आपका पुत्र? हाँ, पर आज मुझे देख ले तो शायद ही पहचान पाए। और लोहांगी व शांबरी आपस में बहने हैं जो दिव्य शक्ति प्राप्त करने के लिए योद्धा को पाना चाहती हैं। दिव्य शक्ति? कई पलों तक चौंकता रह गया वह। इधर योद्धा, तो आप अपने उस वर्ल्ड क्राइम ऑर्गेनाइजेशन के चीफ तक पहुंचेंगे कैसे? एक ही तरीका है, बलवा। अपने चीफ को खबर करे कि मैंने योद्धा को खत्म कर दिया है। उधर शांबरी के साथ बलवा, यहीं पर आना था बैडमैन को। इंस्पेक्टर हर्षित हो गया अचानक। बैडमैन? बलवा आ रहा है। तुम छिप जाओ इंस्पेक्टर, और योद्धा तुम योजना अनुसार सांस रोककर लेट जाओ इस ग्लास बॉक्स में। योद्धा शीशे के बॉक्स में लेट गया। योद्धा, जब तक तुम इसमें हो ना तो तुम्हारी सांसों की आवाज बाहर सुनाई दे सकती है और ना तुम्हें बाहर की कोई ध्वनि सुनाई देगी, चाहे बाहर बमों के धमाके भी क्यों ना हो जाएं। इंस्पेक्टर भारत भी दुबक गया था आड़ में। आ गया बलवा। अरे ये कौन है? ओ, शांबरी है शायद, पर बैडमैन अनजान था शांबरी से। बलवा देखो, तुम्हारा शत्रु योद्धा मौत की नींद सो गया। शांबरी, देर हो गई हमें। उसी पल एकाएक बैडमैन उछल ना जाता तो मौत उसके गले का हार बन गई होती। तूने योद्धा को खत्म कर दिया, यानी तूने जीने का अधिकार खो दिया। ये कौन आए? आई तो बलवा के साथ है, पर हितैषी योद्धा की लग रही है। शांबरी अब धधकते चेहरे, सुलगते शब्दों की मालकिन लग रही थी। तेरी मौत होकर ही रहेगी, चाहे तू कितना ही बच ले बैडमैन। बैडमैन अजीब असमंजस की स्थिति से गुजर रहा था। उफ, उस शांबरी को मैं असलियत तक नहीं बता सकता जब तक बलवा चीफ को योद्धा की मृत्यु की सूचना न दे दे। आड़ में छिपा भारत भी यह रहस्य इसलिए छिपाए रखना चाहता था। मैं शांबरी को बता दूं योद्धा मरा नहीं जिंदा है, पर फिर बैडमैन की सारी योजनाएं पर पानी फिर जाएगा। जबकि शांबरी बैडमैन पर बार बार घातक वार किए जा। बलवा, फटाफट चीफ को सूचना दो कि योद्धा की लाश का क्या करना है। बलवा झपटा ट्रांसमीटर की तरफ। हेलो, बलवा स्पीकिंग। चीफ, बैडमैन ने योद्धा को मार दिया। बलवा, तुम योद्धा का सिर काटकर उसका पार्सल हमारे पास भेज दो, तभी हमें यकीन होगा। यस बॉस। बलवा के हाथ में नजर आ रही थी एक तलवार। एक ही बार में अब कांच का यह शीशा भी टूटेगा और योद्धा का सिर भी। इससे पहले कि बलवा की तलवार उस बॉक्स को छू पाती, बैडमैन की दोनों लातें उसके शरीर से टकराई। शांबरी, योद्धा मरा नहीं जिंदा है। क्या? हाँ, जिंदा है योद्धा। शांबरी को जैसे विश्वास ही नहीं हुआ बैडमैन के शब्दों पर। बैडमैन ने ग्लास बॉक्स का ढक्कन उठा दिया। ये देखो, उठो योद्धा। अरे शांबरी। इस दौरान बलवा ने फिर उठाया मौके का फायदा। नजर आई बलवा के हाथों में एक गन। अब मैं इन सबको भून कर रख दूंगा। पर योद्धा की गिद्ध निगाहों ने एक पल में देखा उसे, दूसरे पल उसके ढकमान गन की बलवा पर गिरी गाज। कायर, आप हमेशा पीठ पीछे ही वार क्यों करते हो? इधर लोहांगी जंजीबार और बल्लार यानी तीन महारथी डायमंड की कैद में थे। बोना बोनू, हम जानते हैं कि हम इन्हें कैद में तभी तक रख सकते हैं जब तक ये तीनों बेहोश हैं। तो फिर ऐसा चक्कर चलाओ बॉस की तीनों होश आने पर भी वही काम करें जो हम चाहते हैं। वही तो सोच सोच कर मेरा दिमाग खराब हुए जा रहा है। गोलियों से तो क्यों ना ठंडा कर दें तीनों को। खबरदार जो ऐसी बात मुंह पर भी लाया, मैं इनसे फायदा उठाना चाहता हूं। ऐसा फायदा जिससे राजनगर की धरती पर तबाही आ जाए, बलवा का विनाश हो जाए। डायमंड उन महारथियों से अपने खतरनाक इरादे पूरे करवाने के ख्वाब ले रहा था और मेरे आतंक का सिक्का हर जुबान पर जम जाए। उधर योद्धा बलवा पर जरा भी रहम न खा रहा था। मेरा सिर नहीं, अब आपका सिर भेजूंगा मैं आपके चीफ को। आह! हर बार बलवा के कंठ से एक चीख निकल आती थी। शांबरी, इंस्पेक्टर भारत और बैडमैन तीनों की आंखों ने देखा बलवा का हवा में नाचता सिर। बलवा का लड़खड़ाता धड़। मर गया जालिम। फिर शांबरी ने योद्धा को बल्लार के विषय में बताया। क्या, बल्लार मेरा मित्र जीवित है? मैं उससे अवश्य मिलूंगा, पर वह डायमंड की कैद में है शायद। मित्रों, मैं चलता हूं अपने मित्र को छुड़ाने। योद्धा और शांबरी के प्रस्थान के बाद, बैडमैन अब तुम शायद अमेरिका जाओगे। हाँ, और WCO के चीफ को दिखाऊंगा बलवा का सर। अचानक डायमंड की खुशी से चित्कार गूंज उठी। बोना बोनू, समझ समझ मैं आ गया हमें क्या करना है। बोना बोनू, समझ में आ गया हमें क्या करना है इनका।
शीघ्र ही तीनों टैंकों की नाल पर बंधे थे, तीन टैंकों की नाल पर बंधे थे तीनों जिस्म। डायमंड, आपने हमसे तीन टैंक तो खरीदे, उस कमबख्त बलवा ने तो एक गोली तक नहीं खरीदी। शामरी वहां पहुंची थी योद्धा के साथ। योद्धा, लोहांगी बल्लार और जंजीवार के जिस्म टैंकों से बंधे हैं, ये तो अन्याय है। लोहांगी की मौत पर तुम्हारा हक है और जंजीवार की मौत पर मेरा। हमें न सिर्फ बल्लार को बल्कि उन दोनों को भी बचाना होगा। दोनों डायमंड के सामने पलक झपकते ही जा खड़े हुए। उन तीनों को छोड़ दो। वाह, बेहोशी के इंजेक्शन न देके तो तीनों को अब तक बेहोश रखा और अब छोड़ दूं? फिर भी एक शर्त पर। शर्त वही पुरानी, बलवा का सर। विस्फोट किया योद्धा ने शब्दों का विस्फोट। बलवा मर चुका है, डकमानगन की सौगंध। क्या? अगले ही पल चीखा डायमंड, टैंक एक्शन। कांप उठी धरती, थर्रा गया आकाश टैंकों की दहाड़ से, उड़ गए तीनों के चीथड़े। तबाही, तबाहकारी किरदार डायमंड के लिए बन गया बर्बादी का अवतार। डायमंड, हमारे शत्रुओं की जान पर सिर्फ हमारा अधिकार था, उड़ा दो इनको। डायमंड दूर भागा, गोले भड़के, किरणें लपकी, तबाह हो गए मौत की गूंज पैदा करने वाले टैंक। भीषण रक्तपात की यह तो सिर्फ शुरुआत थी। मौत की किरण रह रहकर लपकती रही शत्रुओं के प्राण। पिकासो दुम दबाकर भागा, इन महारथियों के बीच ठहरना मेरे वश में नहीं। डायमंड ने भी जान लगा दी योद्धा से टकराने में। बलवा की बौत के बाद मुझे किसी का भय नहीं, पर डायमंड के सामने भी था अपने काल का महारथी। तेरे हर वार का जवाब है योद्धा के पास। प्रलय भरा तो उस प्रलयकारी योद्धा के एक एक शब्द में एक ही जवाब है, ढकमान घन। शत्रुओं की संख्या कम करती शांबरी अचानक चीख पड़ी, योद्धा! उस दृश्य को देख लड़ना भिड़ना छोड़ योद्धा कंठ से चीख निकाल बैठा, हमारे काल का जानवर इस काल में कैसे? बचाओ! क्रमशः। चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं योद्धा सीरीज की अगली कॉमिक्स ढकमान घन में। तब तक के लिए धन्यवाद।